और अब एसओजी मुख्यालय से बड़ी खबर का रुख करेंगे। जेईएन भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर एसओजी की बड़ी कार्रवाई। दौसा और जयपुर में एसओजी की सर्च चल रही है। पकड़े गए आरोपी हर्षवर्धन मीणा, राजेंद्र यादव समेत अन्य आरोपियों के ठिकानों साथ ही रिश्तेदारों के अड्डों पर यह कार्रवाई। जयपुर के गढ़धनी, वैशाली नगर, झोटवाड़ा और चित्रकूट इलाके में कार्रवाई। अल सुबह एसओजी की 14 टीमों ने एक साथ दबिश दी। जेईएन भर्ती परीक्षा समेत अन्य परीक्षाओं का हर्षवर्धन ने पेपर लीक किया था। एडिशनल एसपी बजरंग सिंह के निर्देशन में पूरा टास्क चल रहा है और एटीएस एसओजी एडीजी वीके सिंह पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई दौसा और जयपुर में चल रही है। आरोपियों के ठिकानों और रिश्तेदारों के अड्डों पर भी दबिश दी जा रही है। 14 टीमों ने एक साथ अल सुबह दबिश दी। दौसा और जयपुर में एसओजी का ये सर्च। जेईएन भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मामला। एटीएस एसओजी एडीजे वीके सिंह पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसओजी मुख्यालय से ये बड़ी खबर लगातार। एसओजी एक्शन मोड में। तो जयपुर में एसओजी का एक्शन। पेपर लीक मामले में प्रदेश के 12 जगहों पर रेड चल रही है। इसके अलावा करीब 100 से अधिक पुलिस की टीमें जयपुर, दौसा, भरतपुर में दबिश दे रही हैं। एडीजी वीके सिंह की मॉनिटरिंग में ये रेड चल रही है। डेवलप की गई जांच के बाद एक्शन लिया जा रहा है। पेपर लीक मामले में शामिल लोगों साथ ही जो वांछित हैं उनके खिलाफ ये एक्शन हो रहा है। तो जयपुर, दौसा, भरतपुर में ये कार्रवाई हो रही है। करीब 100 से अधिक पुलिस टीमें जयपुर, दौसा, भरतपुर में रेड कर रही हैं। एडीजी वीके सिंह की मॉनिटरिंग में रेड चल रही है। तो दौसा में भी एसओजी की कार्रवाई चल रही है। दौसा के NH-21 मोदी के तिवारी के सामने एक आश्रम में एसओजी ने छापेमारी की और एसओजी एसपी नरेंद्र मीणा के नेतृत्व में यहां यह कार्रवाई। पेपर लीक के मामले में पटवारी हर्षवर्धन की जानकारी मिली थी। एसओजी को जांच के दौरान कई दस्तावेज भी मिले हैं। जेईएन भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मामला। दौसा में एसओजी की छापेमारी एक आश्रम में। दिनों एक प्रकरण में हर्षवर्धन नाम का एक पटवारी है, उसको अरेस्ट किया था एसओजी ने। उससे पूछताछ के आधार पर कुछ इनपुट मिले हैं, उस आधार पर पेपर लीक और डमी कैंडिडेट वगैरह के बारे में तफ्तीश की जा रही है। और उससे जो इनपुट मिला था उस आधार पर कुछ स्थानों की सर्च की जा रही है। कोर्ट से सर्च वारंट लेके उच्च अधिकारियों के जो निर्देश थे उसके अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं और आगे जो तफ्तीश में आएगा वो सामने आएगा। यहाँ पर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, यहाँ क्या क्या मिला है? इनपुट ये था कि वो हर्षवर्धन यहाँ रहता था, इस जगह रहकर वो कुछ अवैध गतिविधियाँ संचालित कर रहा था। उससे पूछताछ के आधार पर यहाँ सर्च किया जा रहा है। सर कुछ मिला यहाँ पे दस्तावेज? हाँ, कुछ किचन, इसके बिजली के बिल मिले हैं। किचन बनी, वो बिल इसी प्रॉपर्टी के या किसके, ये तफ्तीश का विषय। हर्षवर्धन के नाम से? हाँ, हर्षवर्धन के नाम के बिल मिले। और भी कोई कुछ परीक्षा संबंधी दस्तावेज भी मिले हैं। तो चलिए अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विष्णु आशीर्वाद फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या कुछ अपडेट? देखिए, आश्रम में यहाँ पर छापेमारी हुई है, क्या कुछ उच्चाधिकारियों की ओर से कहा जा रहा है, क्या कुछ सामने आया? तो पेपर लीक के मामले में राजस्थान की बजरंगलाल सरकार पूरी तरह एक्शन में है। इसी को लेकर एक बार फिर एसओजी ने दौसा में छापेमारी की और आरोपी हर्षवर्धन के ठिकानों पर दबिश दी है। पिछले दिनों पुलिस की गिरफ्त में आए पटवारी हर्षवर्धन से पूछताछ में बताया था कि उसने दौसा के गोविंद देव जी के मंदिर के समीप एक आश्रम में जहां पर बैठकर वह पेपर लीक की गतिविधि को संचालित करता था। इसी के इनपुट को लेकर एसओजी की कोर्ट से सर्च वारंट लिया और आज सुबह वारंट लेकर दौसा के एक जो NH-21 पर एक आश्रम है वहां पर पहुंचे और वहां पर व्यक्तियों से पूछताछ की गई है। इसमें मकान में आश्रम में संचालित किया जा रहा है। हर्षवर्धन को जो बिजली के बिल जो मिले हैं उनके नाम से बिजली के बिल मिले हैं और कुछ पेपर लीक से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। इसी को लेकर एसओजी के एएसपी नरेंद्र मीणा आज यहाँ पहुंचे और उनके टीम के द्वारा सर्च वारंट सर्च अभियान चलाया जा रहा है। उसमें कई गुप्त दस्तावेज मिले हैं जिसकी वो जांच की जा रही है। उन्होंने कहा है कि
कुछ चीजें ऐसी हैं जो बताई नहीं जा सकता, लेकिन उनके यहाँ से बैंक के पासबुक, बिजली के बिल और पेपर लीक से जुड़े, परीक्षा से जुड़े हुए कई दस्तावेज मिले हैं। इसी को लेकर आज एसओजी टीम दौसा में पहुंची है और कार्रवाई की जा रही है और अभी भी सर्च अभियान वहां से जारी है। चलिए विष्णु, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो एक आश्रम में एसओजी की छापेमारी हुई, वहां से कई सारे अहम दस्तावेज मिले हैं जिनमें बिजली का बिल, पासबुक, ये सारे दस्तावेज हैं। फिलहाल क्योंकि पड़ताल जारी है तो ऐसे में उच्चाधिकारी भी कुछ कहने से बच रहे हैं। लगातार कार्रवाई एसओजी की चल रही है।